जी अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरी से होंगे और बाकी वर्किंग भी आप लोग अच्छे से जा रही होगी। तो बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत करो, ठीक हो गया। तो जिस तरह आप लोग बताए, आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है वीडियो एडिटिंग पे, और बैनर्स जो है वो या DP वगैरह जो भी है वर्किंग के लिए, उसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या सेशन लेंथी भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने कहा फौरी तौर पर जो है ना वो स्टार्ट किया जाए। बाकी जिन लोगों ने आना था वो आ चुके हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने सेशन को लास्ट तक अच्छे से अटेंड करना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से जो है ना वो समझ आ जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करूँ, ठीक है, आप लोगों को एक एक चीज़ जो है ना वो अच्छे से समझाऊँ। सो आप लोगों ने अच्छे से जो है ना वो सब कुछ देखना है। अच्छा जी, मुझे एक बार ना हैंड से आप लोग कर दें कि आप लोगों में से किस किस को वीडियो एडिटिंग करनी आती है, वीडियो एडिटिंग या बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करने आती हैं। थोड़ी बहुत आप लोग मतलब कर लेते होंगे या कुछ भी, किसी को वीडियो एडिटिंग करनी आती है? ओके जी, चलें, कोई मसला नहीं। जिनको आती है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आती कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बैठा हूँ। अच्छा जी, आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने प्ले स्टोर पर चले जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने जो है ना वो सबसे पहला हम सीखेंगे कि वीडियो एडिटिंग कैसे करती हैं। वीडियो एडिटिंग के काफ़ी सारे तरीके हैं, सो उनमें से आई थिंक दो तरीके आपको बता देता हूँ, तीन, तो वो आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, आप लोगों ने ये क्या एप्लीकेशन ओपन कर लेनी, डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से कैपकट के नाम से, ठीक है जी। आपने जो है ना वो कैपकट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी। मैं आपको एक चीज़ अलर्ट कर दूं कि जिनके मोबाइल छोटे हैं, ठीक है, हो सकता है काफ़ी सारे मोबाइल में ये सपोर्ट ना करे, तो फिर वो बाकी ऑप्शन जिनके पास हैं उनमें से वो कोई ऑप्शन फिर करके तो अपनी वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो जिनका हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, वो इसको करें और इस पर वीडियो एडिटिंग करें। सो करनी कैसे, आप लोगों ने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। आप लोगों ने आ जाना जी टेम्पलेट्स पे। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेंडिंग फॉर यू पे सॉन्ग चल रहे होते हैं, आप लोगों ने कोई भी उठाना है, ठीक है। मैं उठाऊँगा नहीं क्योंकि फिर कॉपीराइट लग जाता है, तो मैं अपना माइक की आवाज़ बंद कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस तरह ज़रा बताइएगा, मेरी आवाज़ तो नहीं बंद होगी ना? आवाज़ आ रही है, अपना हैंडल करें ज़रा, क्योंकि मैंने माइक वाली बंद की, आई थिंक ये आ रही है। ओके चलें, सही हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी सॉन्ग जो आपको अच्छा लगता है, आप लोग ऊपर सर्च भी कर सकती हो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी आप सर्च कर सकते हो। और उसके बाद जो है ना वो जनाब यहाँ से भी कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कोई भी चीज़ आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट देखते हैं, कोई भी अच्छा लगता है तो उसको जो है ना वो बनाते हैं, ठीक है। वाईफाई नॉट अवेलेबल, अच्छा जी ये आ गया, चलो जी। अच्छा यहाँ पे ना आपको जो टेम्पलेट अच्छा लगे आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे वो पिक्चर्स वाला भी जो है ना वो आता रहता है, ठीक है, वो एक सिंगल पिक्चर वाला जिस तरह देखिए काफ़ी सारी पिक्चर्स है, ठीक है। इस पर आप लोग सिंपली अपनी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक हो गया। और उसके बाद यानी कि आप लोगों ने टेम्पलेट ढूंढना है जो आपको अच्छा लगे, उसको आप लोगों ने यानी कि साथ में यहाँ पे देखो चार पिक्चर्स लग जाएंगी, ठीक है, समझो हम इसी को एडिटिंग करते हैं। कोई भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है, आप लोगों ने क्या करना है जी, ये आ जाना है यूज़ टेम्पलेट पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने गैलरी ओपन होगी जी, ठीक है, ये वीडियो की गैलरी है और यहाँ पे ये फ़ोटोज़ की जो है ना वो गैलरी है। तो यहाँ पर कोई भी आपको फ़ोटोज़ जो भी अच्छी लगती हैं आप लोग सिंपल क्या करें उसे उठाएँ। नीचे आपको ये ऑप्शन दे रहा होता है कि इतनी फ़ोटो आपकी लगनी है, टोटल चार लगनी है, कोई भी आप लोग लगा लो। मिसाल तो मैं बस समझाने के लिए आप लोगों को, ये चलो जी हमने एक ये उठा ली, किधर गया, एक मिनट यार, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, चलो जी ये चार हमारी वीडियो होगी, सॉरी सिलेक्ट होगी। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद ये लोडिंग करेगा, लोडिंग करने के बाद ये आपको बता देगा कि आपकी कुछ वीडियो इस तरह की बनी है। अगर आपके स्क्रीनशॉट अच्छे हैं ना, ये तो मैंने हमें उठा के लगा दिए, तो आपके स्क्रीनशॉट आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग जो जहाँ पर डॉलर शो हो रहे होते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एक पे टोटल शो हो रहे होते हैं, एक पे आगे जाके वॉलेट में ओपन कर सकते हो, एक पे अपनी जगह से पिक्चर लगा सकते हो, कोई भी लड़कियाँ अपनी फेक पिक्चर लगा सकती कोई भी, और एक पे आप लोग जनाब क्या कहते हैं जी कैलकुलेट करके ना उसकी अमाउंट टोटल, तो इस तरह का स्क्रीनशॉट लेके उसको इस तरह आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल आपकी सिंपल इस तरह बन जाएगी, और आप खुद ही ये राइटिंग वगैरह ऊपर हो रही है, सब कुछ खुद हो रहा है। आप सिंपली ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करो, ठीक है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आपने कम एडिट कर सॉरी कितनी यानी कि आपको क्वालिटी चाहिए, आप इसको 4K भी कर सकते हो, तो जो भी आपको चाहिए आप करो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने अगर स्टेटस वगैरह लगाना है तो 720 पे रखो, अगर कहीं मतलब और कहीं अपलोड करनी है मतलब टिकटॉक पे तो इस तरह की ना करें, क्योंकि टिकटॉक पे जो आपको सिखाया जाएगा वही करो। तो
तो बेहतर ये कि 720 ही आप ज़्यादा यूज़ किया करो। ऐसा ये कि अगर आप हाई क्वालिटी का डाउनलोड कर लेते हो ना, तो जब उसको स्टेटस पे लगाते हो, एक तो एक स्टेटस लगाने पे टाइम ज़्यादा लगेगा यानी कि उसको अपलोड होने में, दूसरा कि जो बंदा देखेगा उसका इंटरनेट ज़्यादा लगेगा, उसकी एमबी ज़्यादा लगेगी यानी कि लोडिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर उसका इंटरनेट का इशू हुआ तो वो लोडिंग करेगा, और उसको अगर लोड, जाहिर बात है बंदे को इंतज़ार पसंद ही नहीं है आवाम को, तो वो लोडिंग होगी तो कहेगा यार क्या बेकार है, साइड पे करो, तो आपका स्टेटस नहीं दिखेगा, आपके स्टेटस को इग्नोर करेगा। आप फिर जितने मर्जी अच्छे बना बनो के लगाते रहो तो वो देख ही नहीं रहा, तो उसका क्या फ़ायदा है। जारी बात है बंदा देखेगा तो फिर ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ना, ठीक है। तो पहला आपका तरीका ये था कि आप लोग कैपकट से अपनी जो है ना वो एडिटिंग कर सकते हो। सो ये तरीका जिस चीज़ को समझ आ गया वो हैंडल करें, ताकि बाकी दूसरा फिर तरीका आप लोग बताऊँ। इसके अंदर ही एक तरीका आप लोग और कर सकते हो तो वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा जी, दूसरा तरीका हमारा वीडियो एडिटिंग का है कि आप लोगों ने जनाब फेसबुक पे आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, ये देखो आप लोग अपनी आईडी ओपन करते हो ना, तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है क्रिएट स्टोरी, ठीक हो गया, क्रिएट स्टोरी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, नहीं तो फिर यहाँ पे आता होगा, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है क्रिएट स्टोरी पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपकी जो पिक्चर्स है ना वो आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो जाएंगी। सो यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना वो क्या कहते हैं जी, अपनी पिक्चर्स आपकी आ गई हैं, ये वीडियोज़ वगैरह, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, कोई भी आप लोग पिक्चर्स जो है ना वो आप लोगों ने एक एक करके क्लिक नहीं करना, अगर एक पिक्चर लगानी तो एक सेलेक्ट करो, नहीं तो ज़्यादा करनी, मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने कैसे एडिट करना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो जी, ये सेलेक्ट मल्टी पे क्लिक करो, ठीक है, सेलेक्ट मल्टी पे आप लोग क्लिक करोगे, अब ये कहता है जी आप लोग जो जो सेलेक्ट करना चाहते हो आप करो। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कोई भी जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेता हूँ, और यहाँ पे कोई भी स्क्रीन जो है ना जनाब, इसको क्या कहते हैं जी, कर लेते हैं मिसाल तो पर। अच्छा जी चलो, एक ये ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद बैक आके कोई अपनी पिक्चर वगैरह जो है ना वो ले लेता हूँ इंस्टाग्राम की, यहाँ पे किधर चला गया यार। अच्छा जी, इंस्टाग्राम पे आ गया, यहाँ पे मैंने पिक्चर ले ली, और उसके बाद एक दो पिक्चर और ले लो जो भी आपका दिल करता है, ठीक है, मिसाल तो भरी एक पेमेंट का ले लेते हैं, चले जी, ओके जी। अच्छा जी, इसको नेक्स्ट कर लें आप लोग, नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, ये जो फ़ोटो कॉलेज है ना इस पर क्लिक करना, दरमियान वाले में जहाँ पर भी आ जाए फ़ोटो कॉलेज पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अच्छा जी, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है जी, इस पर आप लोगों ने एक बार मेरी पिक्चर पर कहीं भी क्लिक करो। आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने या तो इसको ऊपर रख लो, या तो इसको ऊपर, यानी कि मैं आपको तीन तरीके बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट को पकड़ो, एक बार क्लिक करो, अगर नहीं हिल रहा, आगे पीछे वाली पिक्चर हिल रही है तो इस पर क्लिक करो, और इसको ऊपर उठा के आगे ले जाओ, इस तरह एक बार क्लिक करोगे तो दायरा बन जाएगा, इस तरह क्लिक करोगे तो वो इस तरह ये जो है इस तरह की शेप में आ जाएगा। इसको आप लोग इस तरह जूम आउट जूम इन करके आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, मिसाल तौर पर ये मैंने मतलब कर ली, सेट कर ली। अच्छा जी, ये हो गया आपको बस समझाने के लिए, या तो पिक्चर आप लोग बड़ी छोटी कर लो, दायरे में कर लो, या इस तरह कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कर लिया, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन, एक मिनट, ये ज़रा डिलीट हो रहा है, इसको साइड पे कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये जी टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट का, ठीक है। यहाँ पर जी मिसाल तौर पर लिखी जी मेरी सिंगल डे करनी, आप लिख सकते हो कि माए या तू तो पीछे हो जा, माय सिंगल डे अर्निंग। अच्छा जी, माय सिंगल डे अर्निंग 2700। चलो जी, यहाँ पे कोई इमोजी वगैरह जो भी आपका दिल करता है ये लगाओ। अच्छा, ये हो गया, नीचे ये काफ़ी सारी राइटिंग आ रही हैं, तो जो आपका दिल करता है आप लोग उसको जो है ना वो सिंपली जो है ना वो लगा सकते हो। मिसाल तो ये लगाता हूँ मैं, डन करो, इसको आप लोग इस तरह छोटा मोटा कर सकते हो, यानी कि एक तरीका आपके पास पोजिशन ये वाली है। एक पोजिशन आपको बताता हूँ जी, ये ऊपर वाली जो पिक्चर्स दो हैं स्क्रीनशॉट, ये ऊपर नीचे आ जाएंगे इस तरह, और ये जो मेरे वाली पिक्चर है इसको आप जनाब ऊपर ले आओ, ठीक हो, सॉरी मैंने डिलीट ही कर दिया इसको। अच्छा, वो अब डिलीट हो गया, अब दोबारा हमें लेनी पड़ेगी। सो बस आपको समझाने का तरीका था, ठीक है। तो मिसाल तो बड़ी ये आपकी नीचे आ गई है पिक्चर्स, ठीक है, इसको आप लोग जो है ना दोनों को नीचे ला सकते हो। यहाँ से हम एक कोई और पकड़ लेते हैं, यहाँ से चलो ये पकड़ लेते हैं। अच्छा जी, ये दो आपकी पिक्चर होगी, ठीक है, या तो इसको ऊपर रख लो, एक अपनी पिक्चर ऊपर रख लो, या इसको, यानी कि आपका जो जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगता है आप लगा सकते हो, या इस तरह लगा सकते हो। एक मैं यहाँ से अपनी जी पिक्चर अलहदा से पकड़ लेता हूँ, चलो मिसाल तो ये ले लेता हूँ, अच्छा तो लग रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये दो हो गए यहाँ पे, और ये एक बार इसको राइटिंग को तो साइड पर करो, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको बाद में हम लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब इसको यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हो जो भी आपको लगता है, यहाँ पे इसको दायरे में चलो, जहाँ भी आपको यूज़ सूट लगता है इसको कर लो,
और यहाँ पे जो टेक्स्ट था उसको जनाब यहाँ पे आप लोग सिंपली पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग लिख दो टुडे माय इनकम अर्निंग, जो भी लिख लो। अच्छा जी, यहाँ पे इसको छोटा मोटा कर लो, ये देखो यहाँ पे अच्छा लगे। इसके नीचे आप लोग लिख दो जी मिसाल तौर पर जी $5 PKR 1500। अच्छा जी, यहाँ पे इमोजी वगैरह जो भी लगाने लगाओ। चलो जी, यहाँ पे आप लोगों ने समझो ये बना लिया, आप लोगों ने जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगा आप लोगों ने बना लिया। अभी यहाँ पे आप लोगों ने जी ये सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे सेव का ऑप्शन है, सेव करोगे तो आपकी गैलरी में आ जाएगा। जस्ट एक मिनट वेट करिएगा, तो ये आपकी जो है ना वो सेव पे क्लिक करोगे तो आपका गैलरी का जो है ना वो ऑप्शन है सिंपली जो है ना वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना वो क्या कहते हैं जी आप लोग फेसबुक पे बना सकते हो, ठीक है। फेसबुक बना सकते हो फेसबुक पे, और उसके बाद आप लोग जो है ना वो सिंपली इसी तरह कैपकट में आके कोई भी आपको जो भी अच्छा लगता है, ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग कहो कि मुझे ये टैम्पलेट अच्छा लगा, चलो इस पर लगाते हैं। ये जी आ गया, और इस पर यही पिक्चर्स आप लोगों ने जो है ना वो अभी मैंने वो सेव नहीं की, तो वो उसी तरह आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद जिस तरह मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है, उस तरीके से आप लोग जो है ना वो अपना सॉन्ग वगैरह जो है ना वो सिंपली इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। सो ये था एक यानी कि सेकंड तरीका एडिटिंग करने का, ये भी समझ आ गया तो अपना हैंडल्स करो। उसके बाद ये लास्ट है, इसके बाद फिर आप लोग जो है ना वो चलते हैं अपना क्या कहते हैं बैनर वाला, क्योंकि उसमें भी टाइम लगना है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है जी, क्या कहते हैं कौन सा ऑप्शन था, अच्छा जी इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने आ जाना जी। अब यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो एक शो करवाता हूँ, जस्ट एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी, मैंने ये प्रोफाइल अपनी ओपन कर ली है। अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये देखो मैंने बनाई है इस तरह की, मैं कहता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये बनाई है मैंने वहीं से फेसबुक वाली, अभी जो मैंने आप लोगों को बताई है इस तरीके से आप लोग, या और भी काफ़ी सारे तरीके हैं आप लोग बना सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे आप लोगों ने ये दरमियान में प्लस का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग सिंपली प्लस पर क्लिक करो। उसके बाद ये नीचे आप लोग देख सकते हो कि आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपने यही रील वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने जी दो स्क्रीनशॉट उठा लेने हैं, वही कह रहा हूँ, वो मैं अगर स्क्रीनशॉट लिए होते तो आपको बेहतर समझा पाता, लेकिन वो माजर तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, तो इस वजह से आपको कोई भी जो भी अच्छा लगता है आप लोग सिंपली उसको क्या कहते हैं जी उठा लो। चलो जी मिसाल तो पर मैं यहाँ पे एक मिनट ठहरा ज़रा, इसको दबा के रखो ज़रा, हाँ ठीक है, मल्टी सेलेक्ट हो जाते हैं। आप लोग आओ इसमें रील्स में आओ, और उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल दबा के रखो, ठीक है, हाँ ठीक है, दो हो गए, चलो मिसाल तो ये दो ही बनाते हैं। अच्छा जी एक मिनट रुको ज़रा, यहाँ पे मैं चेक कर लूँ, इसको कंफर्म कर लूँ, एक तो नेट इशू है, नेट बंद है मुझे डाटा पे, मैंने ऑन किया हुआ है, मैंने कहा यार सेशन मिस नहीं होना चाहिए बंदों का। अच्छा एक मिनट ठहरे ज़रा, इस पे रहने दें, इस पे आप लोगों के लिए टफ है। हाँ एक चीज़ है, मिसाल तो भैया आपकी अर्निंग का स्क्रीनशॉट है, इसको थोड़ा सा ना इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि छोटा बड़ा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और एक मिनट ठहरे यार, ये दो पिक्चर सेलेक्ट है इसलिए ये जो है ना बार बार कर रहा है, एक मिनट। अच्छा जी, हम ये सिंगल ही लेते हैं इसको, और उसके बाद इसको एडिट करते हैं। मिसाल तो ये आपकी डॉलर्स का स्क्रीनशॉट है, इसको आप लोग इस तरह थोड़ा सा छोटा कर लो। ऊपर ये टेक्स्ट का ऑप्शन सेम वही चीज़ है, यहाँ पे आपने मैंने जो कॉपी किया था पेस्ट करें, यहाँ पे भी जो भी आपको राइटिंग वही वाली है जो भी आपको अच्छी लगती है। ऊपर से ये जो एल ए वाला है ऑप्शन है, यहाँ पे यार ठहरो यार, ये क्या लाइव चल गया है। अच्छा जी, यहाँ पे ये आपको, एक मिनट ठहरो ज़रा, अच्छा जी इसको आप लोग थोड़ा सा ऊपर ले आओ, ठीक है, जहाँ पे भी इसको जो है ना वो रखना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है जी। मैंने थोड़ा सा ये टेढ़ा लिखा हुआ है, असल में ये आज सफाई से काम करूँगा तो बहुत टाइम लगना है, इसलिए कहता हूँ जो भी आपने काम करना है वो आप लोग अच्छे से करो, सफाई से करो, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या जी, इसको कर लेते हैं हम जी, यहाँ पर कुछ भी यार आप लोग लिख लो, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वही बात कर रहा हूँ ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाना है, मैं चाहता हूँ कि ये चलो मिसाल तो भाई आपने लिख लिया, इसके आगे इमोजी वगैरह यूज़ करो, क्योंकि इतनी तो बंदे को समझ होनी चाहिए ना कि यार ये चीज़। अच्छा जी, यहाँ पे ये नीचे आपको मैं बता रहा था कोई भी राइटिंग आप लोग सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन, अगर इसको आप लोग कोई
इसको अफेक्ट देना चाहते हो, यानी कि आगे पीछे मतलब अपना इमोशन वगैरह इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप राइटिंग चेक कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग डन करो। डन के बाद सिंपली इसको ऊपर सेट कर दो, ये अपना काम करता रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे साइड पे ले आओ, यहाँ पे ऊपर मैंने उस दिन बताया था स्टिकर का ऑप्शन, ठीक है। साउंड भी है, साउंड भी लगा सकते हो यहीं से। स्टिकर आप सिंपली क्या करो जी, ज्वाइन फास्ट का वही वही वाला, ठीक है। अगर जिन लोगों ने सेशन लिया उनको पता लग गया होगा, तो यहाँ पर आपको जी डॉलर्स के मिल जाएंगे यहाँ पर, मतलब बंदा कुछ भी जो है ना वो लगा सकता है। अच्छा जी, ये सिक्के लगा देते हैं, ये आप इसको छोटा बड़ा करो यहाँ पे, जो भी यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है लगाओ, क्योंकि टाइम लगाना है, जो मर्ज़ी बंदा बना ले। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने क्या करना है जी, अगर आप लोग डाउनलोड नहीं नेक्स्ट लगानी नहीं है, तो ऊपर ये सेव का ऑप्शन है, सिंपली आप लोग सेव करें तो ये आपकी जनाब क्या कहते हैं जी सेव हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर बनाना है। अब चलते हैं आगे जी, जो शॉर्टकट है हम उसको करें। अब ये थे वीडियो एडिटिंग करने के तरीके और बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देख लें, आपको हज़ारों यूट्यूब इनशूट पे मिल जाएंगे, कैपकट पे मिल जाएंगे, बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सादा तरीके जो आपको समझ आ रहे हैं। अच्छा जी, हमने बैनर्स बनाने हैं। मेंबर्स डिमांड कर रहे थे कि सर हमें DP बना के दे। मैंने कहा यार, वो कहते ना कि किसी को मछली पकड़ने से मतलब पकड़ के देने से बेहतर है कि उसको मछली पकड़ना सिखा दो, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप मछलियाँ पकड़ते रहो, खाते रहो, जो मर्ज़ी करते रहो, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है जी, बैनर डिज़ाइन करने के लिए आपको ये कैनवा एप्लीकेशन चाहिए। ये भी हाई मोबाइल फ़ोन पे ही काम करेगी, छोटे मोटे मोबाइल में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। सो यहाँ पे इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है, इसकी आईडी वगैरह आप लोगों ने लॉगिन कर लेनी है जीमेल पे, जिस पे भी आप लोग करना चाहते हो इस पे आपने जो है ना सिंपली कर लेनी है। अच्छा, ये इसका इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर दरमियान में आपको प्लस दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च बार का ऑप्शन है। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने अपनी टीम के लिए मीटिंग के बैनर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख लो लाइव वेबिनार, ठीक है। लाइव वेबिनार लिख के सर्च कर लो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे तो आज बड़ा लंबा सीन आ गया। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आप लोग जो है ना सेलेक्ट कर लो, और आपको यहाँ पे एक मिनट है ज़रा, भी हाई एप्लीकेशन है, इस पर टाइम लगेगा क्योंकि वाईफाई भी बंद है, ये देखिए नीचे क्या भी रहा है नेट का, तो कोई बात नहीं, हम ट्राई कर लेते हैं। टाइम लगेगा, मैं सिर्फ बैनर यार मैं आपको सिर्फ DP बनाना ही सिखा देता हूँ, ठीक है। बैनर का लंबा सीन है, तो वो नहीं बन पाएगा क्योंकि उस पर बनाया, तो ये देखें आप जिस तरह लोडिंग हो रही है, ये एक चीज़ शो होने में इतना टाइम लग रहा, तो आपको तो इतने टूल सिखाने हैं, तो कल ही हो जाएगी। तो यहाँ पर टेम्पलेट शो होते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो रिकॉर्डिंग में वो चीज़ हो ही नहीं है, दोबारा से करनी पड़ेगी यार रिकॉर्डिंग। मैंने स्टॉप कर दी, मैंने कहा यार ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए एक बार ज़्यादा दोबारा आप लोगों को मैं बता दूँ। अच्छा जी, सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपको बैनर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो प्रो वाले हैं इनको आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है। ये सिंपल जो है ना, इनमें से कोई भी आप लोग डिज़ाइन किस तरह आप लोग चेंज कर सकते हो, सिंपल आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, तो जहाँ पे ये अपने कोई भी ऐसे पिक्चर्स लगी हुई हैं, यहाँ पर आप लोग अपनी पिक्चर लगा सकते हो। क्लिक करो एक बार यहाँ पर नीचे ना राइट साइड पर, आपको जो है ना वो क्या कहते हैं, एक मिनट रहो यार क्या ओपन हो गया, तो यहाँ पर आपको जो है ना वो नीचे गैलरी का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर, तो वहाँ पे कैमरे का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप लोग अपनी गैलरी में जाएं, पिक्चर सेलेक्ट करें, तो आपकी पिक्चर लग जाएगी। और उसके बाद जहाँ पे टेक्स्ट चेंज करनी है, टेक्स्ट पे दो बार दबाएं, वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ से जो भी आपने टेक्स्ट अपनी खुद राइट करनी है, तो उसको आप लोग सिंपली यानी कि लिख सकते हो। उसके बाद ये आ जाना आपने दोबारा प्लस पे, यहाँ पर देखें आपको काफ़ी सारी कैटेगरी जो है ना वो हर चीज़ की दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली क्या करना है जी, इंस्टाग्राम ये पोस्ट स्क्वायर पर आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मुझे बड़ी देर यूज़ होगी ये करे हुए, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कम ही यूज़ करता हूँ सिर्फ आप लोग की मीटिंग के बैनर वगैरह बनाने के लिए, जो वीडियो होते हैं यानी कि अपनी क्या कहते हैं अर्निंग की वो बनाने वाला। अच्छा जी, यहाँ ये भी DP आप बना सकते हो, लेकिन ये ऊपर कैटेगरी आ रही है, यहाँ पर ये आप इस तरह इसको स्लाइड करो इस तरह, ठीक है जी। यहाँ पे हो सकता है कि फ़ोटो का ऑप्शन आ जाए, हाँ जी फ़ोटो आ गया, सिंपली आप लोगों ने फ़ोटो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके यानी कि यहाँ पे हज़ारों लाखों टेम्पलेट्स हैं, आप कोई भी उठाओ किसी पे भी आप लोग जो है ना वो जनाब मतलब बना सकते हो।
अभी देखो रेड वाली पिक्चर आपको दिख, ये है तो प्रो में, चलें और कोई लेते हैं। अभी देखिए जिस तरह अक्सर कहते हैं एक साइड पे आप लोग लगा लें वो टीम वॉरियर वाली, एक साइड पे आप लोग कोई भी ऐसे पिक्चर लगा लो, नीचे अपना नाम लिख लो। चलो जी ठीक हो गया, ये आप लोग डीपी बना सकते हो बिजनेस वाली, ये बन सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा। ये देखो वो कहते हैं ना कि आप लोग तलाश करोगे तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो मर्ज़ी आप जिस तरह की मर्ज़ी आप लोग डीपी अपनी जो है ना वो सिंगल भी डिज़ाइन कर सकते हो, डबल भी, कॉलेज भी है यहाँ पे, यानी कि काफ़ी सारे पिक्चर्स भी सिलेक्ट करके आप बना सकते हो। ये देखिए काफ़ी सारे सिंगल्स के ऑप्शन हैं। सो मैं एडिट करूँगा तो ये टाइम ज़्यादा लग जाना है क्योंकि लोडिंग हो रही है, नेट का बहुत ज़्यादा इशू है। तो ऑलरेडी 20 सेकेंड की हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर आप लोगों ने ढूंढ लेना है क्योंकि ये बस इसी चीज़ में टाइम लगना है। कोई भी अच्छा सा टेम्पलेट उठाओ, उसको आप लोग सिंपली जो है ना वो अच्छे से उसको डिज़ाइन करो, नीचे अपना नाम शाम लिख दो, नंबर शंबर जो भी लिखना है, फ्री ट्रेनिंग, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, जो भी लिखना है आप लोग लिखें। और उसको सिंपली आप लोगों ने सेव कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये एरो ऑप्शन दिखाई देना, ये वाला दो एरो आपने ये पहले वाले एरो पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कभी कभार ये खुद ब खुद ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, नहीं तो कभी कभार होता है इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये देखो अभी ये तो दिखना वही नेट वाला इशू आ रहा है। ठीक है जी, तो खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगी ये देखो, हाँ इस तरह, या तो खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगी या ये ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना, आपकी पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग किसी अपने मेंबर को भी या खुद की किसी की भी डीपी आप लोग सिंपली बना सकते हो, उसको डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, सो जिस जिसको समझ आ गई आज के टॉपिक की कि वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है और पिक्चर्स वगैरह, देखो यार टाइम टेकिंग चीज़ है। आप लोगों को जी सर ने जो बताया वही मैं डिज़ाइन करूँगा, नहीं यार ऐसे नहीं है, ये मेरे सीनियर ने नहीं सिखाया। ठीक है, ये सेशन वगैरह कोई नहीं होता, ये टॉपिक होते ही नहीं है ना वीडियो एडिटिंग का, ना बैनर बुनर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये मैं कहीं से सीख के आप लोगों को डिलीवरी करता हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो इस चीज़ से जो है ना वो नॉलेज हासिल कर सको। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इस तरीके से आप लोगों ने डिज़ाइन वगैरह कर लेने हैं अपने, वीडियो वगैरह जब भी अर्निंग हुआ करे या आपके अकाउंट में डॉलर्स पड़े हुए उनकी वीडियो बना लिया करें, आप बोल के भी बना सकते हो। ठीक है, आज मैं एक वीडियो बनाऊँगा अपनी बोलने वाली, तो उसको भी आप लोग कॉपी कर सकते हो। ठीक हो गया, तो बाकी आई होप कि आपको आज के सेशन की समझ आ गई होगी।